A uniform solid cylinder is rolling on a horizontal surface without slipping. If total kinetic energy is E, then its rotational and translational kinetic energy are respectively. Solid cylinder है, V linear speed है, omega angular velocity है, तो total energy होगी इसकी translational kinetic energy plus rotational kinetic energy. Translational kinetic energy होगी half mv square, rotational होगी half i omega square. ठीक है, क्योंकि ये solid cylinder है, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है. आई की जगह आ जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है. पिछली कई वीडियोस में बताया मैंने आपको, प्योर रोलिंग में वी बराबर ओमेगा आर और ए बराबर अल्फा आर होता है. तो ओमेगा की जगह लिख सकते हैं वी बाय आर होल स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं. देखो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, यहाँ बचेगा एम वी स्क्वायर बाय फोर और यहाँ बचेगा हाफ एम वी स्क्वायर. सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आ जाएगा हमारे पास टोटल एनर्जी एम वी स्क्वायर इंटू थ्री बाय फोर. इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, थ्री बाय टू इंटू हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, अब टोटल ये तो मेरी टोटल एनर्जी हो गई. अब मेरे को इस टोटल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर करना है. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कितनी है देखो मेरी, हाफ एम वी स्क्वायर. तो इस हाफ एम वी स्क्वायर और इस टोटल एनर्जी को कंपेयर करना है मुझे. ठीक है ना, अब इस टोटल एनर्जी को अगर 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3/3 कैंसिल हो जाएगा, 2/2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी. तो यानी कि जो ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी की 2/3 है. तो अब टोटल एनर्जी में 2/3 यानी कि 2/3 जो होगा टोटल एनर्जी का, वो क्या होगा, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, और बचा हुआ पार्ट वो होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का. सो E/3 पार्ट जो होगा वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.